Hey guys, welcome to the academy and welcome to this very special class on mission tech. Sorry, logical reasoning marathon. जहाँ पे हम करेंगे कई सारे logical reasoning के question. How are you guys doing? कैसे हो आप सब लोग? Welcome to the class, guys, and a very warm welcome to this very special class. Okay, just a second. ऑलराइट दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्लास की. मेरा नाम दिव्य है, मैं आपका अनअकैडमी क्लैट एडुकेटर हूं. अभी की तरह एक क्लैट एस्पिरेंट भी था. आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 16, क्लैट ऑल इंडिया रैंक ऑफ 17. आई बीन मेंटोरिंग क्लैट एस्पिरेंट्स फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स एंड हियर एट अन अकेडमी इट इज माय मिशन टू मेक योर क्लैट प्रिपरेशन सिंपल एंड सेंसिबल. साथ ही में गाइड आप लोगों को कई सारी चीजें बतानी है, जैसे कि अनअकैडमी पर कई सारी बैचेस आ रही है अब, है ना. तो कौन कौन से बैचेस है एक मिनट में मैं आपको बताता हूँ. जस्ट अ सेकेंड. ये क्रिटिकल की क्लास है भाई, क्रिटिकल की. एक तो लेवल अप बैच आ चुकी है ना, ये मार्च 30 से शुरू हो गई है दोस्तों. एंड देन देयर इज अ बैच कॉल्ड एज वॉरियर्स, जो कि ड्रॉपर्स के लिए आएगी. और अगर आपको अनअकैडमी पर किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप दिव्य कुमार कर कोड यूज कर सकते हो और आपको 10% ऑफ अपनी सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा. आज की क्लास में हम क्रिटिकल रीजनिंग के कई सारे क्वेश्चन करेंगे. 2 घंटे की मैराथन होने वाली है, जिसमें हम आगे चल करके पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे. तो वी विल बी डूइंग बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चन. हम मिक्स प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ ही में हम क्या करेंगे, हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे. अ लॉट ऑफ यू आस्क मी कि यार देखो, क्रिटिकल रीजनिंग हमारी इंप्रूव नहीं होती. क्रिटिकल रीजनिंग में हमारे उतने आंसर नहीं आते, उतने सवालों के जवाब हम नहीं दे पाते जितने हमें देना चाहिए या जितना हम खुद से चाहते हैं. तो क्रिटिकल रीजनिंग कैसे इंप्रूव करें, ये सारी चीजें मैं आपको आज की क्लास में बताता हूँ शुरुआत में. उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलने वाले हैं. देखो, अगर आप में से किसी को भी क्रिटिकल रीजनिंग इंप्रूव करनी है तो अंडरस्टैंड कि क्रिटिकल रीजनिंग आपसे एक्सपेक्ट क्या करती है. आपसे छोटी सी एक्सपेक्टेशन है क्रिटिकल रीजनिंग के सेक्शन की, कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले एक छोटा सा पैसेज आपको देंगे 2 या 3 पैराग्राफ का, वो आप पढ़ लोगे, उस पैसेज को आप कॉम्प्रहेंड कर लोगे और उसकी आर्ग्यूमेंट को आप इन्फर करके, या तो स्ट्रेंथनिंग करनी है, वीकनिंग करनी है, पैराडॉक्स आइडेंटिफाई करना है, या अजम्पशन और कंक्लूजन बताना. ठीक है, तो अगर मैं इसका स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाऊं तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होता है, सबसे पहले आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेज. अब अंडरस्टैंडिंग द पैसेज का क्या मतलब होता है, हर पैसेज में ऑथर का एक मेन आइडिया होता है, एक मेन आर्ग्यूमेंट होती है. वो आर्ग्यूमेंट हमें समझ में आ जानी चाहिए कि ऑथर किसी भी पर्टिकुलर इशू के बारे में क्या बोल रहा है. जरूरी नहीं है कि उसकी सिर्फ एक ही बात है ना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो कई सारी बातें करते हैं, तो हो सकता है कि एक ऑथर ने कई सारी बातें की. तो हमें ये पता होना चाहिए ऑथर किस बारे में बात कर रहा है, वॉट इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो इसका एक आंसर आएगा कि लेट्स से ही इज टॉकिंग अबाउट ए, या ही इज टॉकिंग अबाउट ए बी एंड सी. व्हाट इज इट अबाउट ए बी एंड सी दैट ही इज सेइंग. ए के बारे में क्या बोल रहा है, बी के बारे में क्या बोल रहा है, और सी के बारे में क्या बोल रहा है. इतनी चीजें हमको समझ में आनी चाहिए. ठीक है, तो जब हमको ये मेन आइडिया समझ में आ गया, उसके बाद हमको आर्ग्यूमेंट या पोजिशन ऑफ द ऑथर भी समझ में आनी आएगी. ठीक है, क्या समझ में आएगी हमको, पोजीशन ऑफ द ऑथर समझ में आएगी. अब इसका क्या मतलब होता है, पोजीशन ऑफ द ऑथर का, पोजीशन ऑफ द ऑथर का ये मतलब होता है दोस्तों,
कि जब भी ऑथर आपको क्रिटिकल रीजनिंग का कोई पैसेज देता है, तब आपको या तो वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, या कोई प्लान बता रहा होता है, या किसी भी एक इश्यू के बारे में आर्ग्यू कर रहा होता है। उस पर्टिकुलर चीज पर वो क्या सोचता है, उसकी पोजिशन क्या है, वो आपको समझ में आनी चाहिए, दैट व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द ऑथर। ठीक है, तो पहले हमने समझा कि पैसेज में ऑथर किस चीज के बारे में बात कर रहा है, जिन चीजों के बारे में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, ये समझ लिया, और ऑथर की पोजीशन क्या है। जब हमने इतनी स्टेप कर ली ना, तो जो तीसरी स्टेप होती है सॉल्विंग द क्वेश्चन, इट बिकम्स एक्सट्रीमली इजी। ये तो फिर हमारे बाएं हाथ का खेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सॉल्विंग द क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। मान लो आपसे पूछ लिया कि आपको ऑथर के आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करना है। अब एज अ क्वेश्चन मेकर माइसेल्फ, मुझे भी क्वेश्चन बनाने होते हैं आप लोगों के लिए, तो मुझे ये पता है कि एक ऑप्शन सही तो मैं बना देता हूं, जो तीन ऑप्शन मुझे गलत करने होते उसमें मुझे पसीना आ जाता है। क्योंकि हमको क्या करना है, अगर मैंने आपसे स्ट्रेंथनिंग पूछी है तो तीन ऑप्शन ऐसे भी बनाने हैं जो स्ट्रेंथन ना करें। तो अगर आपको पोजीशन ऑफ द ऑथर समझ में आएगी तो आप आराम से चीजों को कर पाओगे। ठीक है, अब पोजीशन ऑफ द ऑथर कैसे पता करें, इसके लिए पहले वापस से चलो अंडरस्टैंड द पैसेज। पैसेज क्या बोल रहा है, उसका मेन आइडिया क्या है, है ना, और किन किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं और उन चीजों के बारे में क्या क्या बात कर रहे हैं। ये तीन चार चीजें समझ में आ गई तो पोजीशन अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऑलराइट। अब यहां पर क्या होता है, अगेन पहली स्टेप पे वापस चलते हैं, अंडरस्टैंड द पैसेज। अंडरस्टैंड द पैसेज में आप में से कई सारे लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आती है, और वो प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो कई सारी चीजों की मीनिंग पता नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो क्लैट एस्पिरेंट्स फेस करते हैं। व्हेन दे आर रीडिंग द पैसेज, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेज, क्योंकि उनको उस शब्द का मीनिंग नहीं पता है। इसके लिए क्या करना होगा, वी विल हैव टू एनहांस आवर वोकैबुलरी। अब सवाल होता है कि वोकैबुलरी को हम कैसे एनहांस करें। तीन तरीके मैं आपको बताता हूँ। तरीका नंबर एक, आप एक बुक खरीद लो, वर्ड पाव मेड इजी एक बहुत इफेक्टिव बुक है जो आपको पूरी तरह से आपकी वोकैब को इम्प्रूव करने में मदद कर देगी। तरीका नंबर दो, इसमें क्या करना होगा, डेली जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में जो जो शब्द आपको नहीं आते उन शब्दों को न्यूज़पेपर में अंडरलाइन कर लो, आर्टिकल पढ़ने के बाद उसको डिक्शनरी में देख लो, है ना। और तरीका नंबर तीन, और ये तरीके नंबर एक दो तीन का ये मतलब नहीं कि एक ही करना है या दो ही करना है, तीन ही करना है, तीन हो साथ में करना। तरीका नंबर तीन होता है कि जो हमारी क्लासेस होगी ना लॉजिकल रीजनिंग की, क्रिटिकल रीजनिंग की, एक ही क्रिटिकल रीजनिंग ही पढ़ाऊंगा मैं आपको अकेडमी पे, लॉजिकल नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब एनालिटिकल पार्ट नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें जब भी मैं आपको कोई भी क्वेश्चन कराता हूँ, आई टेंड टू इंश्योर कि मैं जो क्वेश्चन का सिलेक्शन करता हूँ उसमें कोई ना कोई डिफिकल्ट वर्ड हो। तो क्लास पढ़ते वक्त अगर आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड लगे ना कि यार ये शब्द का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे पूछो। ठीक है, तो अगर हर क्लास में आपको 10-12 वर्ड मिलेंगे, और हम हफ्ते में 5 क्लास भी लेंगे, तो एक हफ्ते में आपके 60 वर्ड कंप्लीट होंगे, एक महीने में आपके 250 वर्ड कंप्लीट होंगे। तो अगर 4 महीने आपने क्रिटिकल रीजनिंग की क्लास कर ली तो 1000 शब्द आप नए सीख जाओगे, और ये होगा आपके साथ। आप कभी भी क्रिटिकल रीजनिंग की क्लासेस में आना, उसमें पैसेज करना, यू विल रियलाइज कि कितने सारे नए शब्द आपको देखने को मिलते हैं, समझने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब आप शब्दों के मीनिंग समझने लगोगे एंड यू विल कीप ऑन रीडिंग, है ना, तो आपकी पैसेज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। दूसरी और एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या होगी कि कई बार पैसेज के शब्दों का मीनिंग पता है, लेकिन जो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है उससे हम कंफ्यूज हो गए कि एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा था। तो जब भी मैं आपको क्लासेस करवाऊंगा, अभी शुरुआत के 2-3 महीने तो मेरी जो क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको हर चीज समझाऊंगा, है ना। ऑब्वियसली मैं पूछूंगा आपसे कि ये समझ में आया, और अगर आपने सबने बोल दिया कि समझ में आ गया तो हम समझाएंगे नहीं, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होता है। लेकिन अगर आपने से कोई भी बच्चा बोलता है कि यार ये पैसे समझा दो या ये पैराग्राफ समझा दो, तो मैं आपको समझा दूंगा। तो धीरे 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 व्हेन यू विल कॉन्स्टेंटली एंटर सच क्लासेस, यू विल रियलाइज कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े ना, तब आप अपने आप देखोगे कि आपको मेन आइडिया क्लियर हो रहा है। क्या हो रहा है, मेन आइडिया क्लियर हो रहा है। अब मेन आइडिया को समझने के लिए एक और टेक्निक होती है, है ना, जिसको हम बोलते हैं दोस्त से घुसड़ घुसड़ टेक्निक। इसके लिए एक एग्जांपल लो कि यहाँ पे तीन दोस्त हैं, ठीक है, इसका हम नाम रखते हैं अमर, है ना, बमर और डमर। ठीक है, तो अमर, बमर और डमर तीन दोस्त हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि आदित्य, GUODAFTERNOON, ठीक है भाई, चलो। अमर, बबर और डमर जो है, यहाँ पर क्या हुआ कि अमर ने जाकर के बमर को कोई बात कही, है ना, और ये बात कहता रहा वो,
30 मिनट तक वो बात कहता रहा, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी। डमर ये देख रहा था दूर, तो डमर बमर के पास गया और बोला कि बमर यार ये अमर क्या बोल रहा था तुझे, है ना। तो बमर क्या करेगा, एक या दो सेंटेंस में डमर को बता देगा ना, वो एक या दो सेंटेंस में बता देगा कि नहीं बता देगा दोस्तों, बता देगा। तो वो जो एक या दो सेंटेंस बोल रहा है ना, इसको तो हम मेन आइडिया बोलते हैं। मेन आइडिया इसने क्या करा, जो मेन इंपॉर्टेंट क्रक्स था बातों का वो बता दी। तो मेन आइडिया क्या होता है कि ऑथर किस बारे में बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है, वो मेन आइडिया। तो व्हाट इज द मेन आइडिया, व्हाट इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट इज ही सेइंग अबाउट इट, ऑथर किस बारे में बात कर रहा है और उस बारे में क्या कह रहा है, यही तो मेन आइडिया है, बस सिंपल सी बात। और जैसे ही मेन आइडिया समझ में आया, आपको पोजिशन ऑफ द ऑथर समझ में आ जाएगी और आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे इस अंडरस्टैंडिंग के साथ। क्या हम सीधे पहले एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर ले दोस्तों? मैं पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन क्योंकि हमने ये पूरी बातें करी है, क्या हम सीधे पैसेज बेस्ड पे जा सकते हैं? आज जा सकते हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी अ 2 आवर मैराथन सेशन। घबराना मत, भाग मत जाना, थक मत जाना, है ना। पता नहीं हो ऐसा कि क्लास में 2-3 लाशें मिल रही है मेरे को, है ना, रीजन ऑफ डेथ, ओवरडोज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना, हो जाएगा आराम। एक छोटा सा पैसेज करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, है ना। अच्छा, और गुल जो भी आपके ऐसे डाउट है ना, विच इज नॉट रिलेटेड टू द क्लास, उसको क्वेश्चन टैब में डाल दो। जो 5 बजे सेशन होगा उसके एंड में मैं इस तरह के सवाल को जवाब दूंगा, है ना, तो अराउंड 5:45 में इन चीजों के जवाब। Here we go. Here comes the passage. इट्स अ वेरी स्मॉल पैसेज, है ना, शुरुआत करने के लिए, वार्म अप के लिए मैं आपके लिए एक बहुत छोटा पैसेज लेकर के आ रहा हूँ। हियर वी गो। मुंशीदा सारे क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। हाय साक्षी, ओके, आर यू गाइस डन रीडिंग इट? एक बार सारे लोग डन बोल लेंगे तो फिर हम इस पैसेज को समझेंगे। Done? Okay. चलिए अब वो शब्द देखते हैं जो शायद आपको समझ में नहीं आए होंगे, है ना। क्या कोई ऐसे शब्द हैं जो आपको नहीं समझ में आए? इस पैसेज में मैं आपको बताता हूं कितने शब्द हैं जो शायद आपको समझ में नहीं आए होंगे। पोर्ट्रेट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्ट्रेट, ये नहीं आया होगा, है ना। एबिडली,
ठीक है, द फैसिनेशन फीमेल अ ड्रीम ऑफ अ बरीड इन पोर्ट्रेट पर्सपेक्टिव्स येट एज एन एडल्ट आई हैव कम टू डिमांड अ सेल्फ सेल्फ कॉन्शियसनेस. टेनस क्रिटिकल कंटेक्चुअलाइजेशन, इसका मतलब क्या था, फ्लोरिड आइडियोलॉजी, और शायद कुछ बच्चों को शायद इनएडिक्वेट का मतलब भी नहीं पता होगा. ठीक है, यही शब्द है, कोई शब्द छूट गया है क्या? एसेइस्ट, ठीक है, ओके. देखो पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, पोर्ट्रेट का मतलब होता है जब भी एक इंसान, आपने आपका पासपोर्ट साइज फोटो देखा है, ठीक है, तो पासपोर्ट साइज फोटो इतना होता है, राइट. जो पोर्ट्रेट होता है वो कैसा होता है कि आप इस तरह से देख रहे हो, अगर मैं इस तरह से देख रहा हूँ और कोई मेरी तस्वीर बना रहा है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, पोर्ट्रेट बोलता हूँ. ठीक है, तो मेरे बस्ट का अगर साइड ग्लास वाला फोटो लेता है कोई तो उसको क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट बोलते हैं. ठीक है, तो पोर्ट्रेट एक तरह की पिक्चर होगी, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में पोर्ट्रेट का मतलब क्या होगा, किसी के जीवन के बारे में बताना, है ना. तो अगर मैं बोलूं कि मैंने वैष्णवी का एक पोर्ट्रेट बनाया है, मतलब मैंने वैष्णवी की तस्वीर बनाई, लेकिन मैं बोलूं कि अगर मैंने स्वराज का पोर्ट्रेट लिखा है, इसका मतलब मैंने स्वराज के जीवन के बारे में लिखा है. ठीक है, एविडली, एविडली का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ, विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. तो हम क्या होते हैं, एविड प्लेयर्स होते हैं, कई बार हमको बचपन में एविड क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं हम लोग, है ना. जैसे कि मैं अगर बोलूं तो आई एम अ एविड बटर स्कॉच फैन, तो मेरे को वो बटर स्कॉच कौन जो होता है ना वो बहुत पसंद है, तो आई एम अ एविड फैन ऑफ बटर स्कॉच, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है जिसमें, तो जिसमें आपको बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट होता है उसको बोलते हैं एविड, और एविडली का मतलब होता है ज्यादा इंटरेस्ट के साथ, जबरदस्त इंटरेस्ट के साथ. पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण, यानी कि देखने का नजरिया. अब जैसे वो बोलते हैं ना, फेमस एग्जाम्पल है कि एक ग्लास है, उसको आप आधा खाली भी देख सकते हैं, आधा भरा हुआ भी देख सकते हैं, नजरिया होता है सब चीजों को देखने का, है ना. आप जब एक ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी में जा रहे हो और कोई इंसान जाकर के आपको एक 10 रुपए का कंघा बेचने की कोशिश करे और आपके पीछे पड़ जाए, आपको लगेगा कि वो इंसान कितना बेकार है. लेकिन एक नजरिया ये भी हो सकता है कि उस इंसान के पास सुबह से खाने के पैसे नहीं है, अगर आप उससे कंघा खरीद लोगे तो उसको खाने के थोड़े पैसे मिल जाएंगे. तो ये नजरिया होता है कि हम किस तरह से चीजों को देखते हैं. एसेइस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो ऐसे लिखता है, निबंध लेखक, है ना. ऐसे मतलब निबंध, बचपन में लिखा था ना काओ पे निबंध, गाय हमारी माता है, दो चार पांव होते हैं उसके, कई रंगों की आती है, वो एक पालतू पशु है, ये सब चीजें हमने लिखी थी ना, ये क्या था, ऐसे था. और हम कौन थे, हम एसेइस्ट थे, हम निबंध लेखक थे. येट एज एन एडल्ट, यहाँ पर क्या हुआ, सेल्फ कॉन्शियसनेस. सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अपने बारे में जानना, ठीक है, कि मुझे अपने बारे में क्या पता है. तो मुझे जैसे अपने सेल्फ अवेयरनेस, करेक्ट, सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस. तो मुझे ये पता है कि मुझे सारे शब्दों के मीनिंग नहीं आते हैं, और अगर कोई ऐसा शब्द आएगा जिसका मीनिंग मुझे नहीं आता तो उसको मैं डिक्शनरी में चेक कर लूंगा, दिस इज सेल्फ कॉन्शियसनेस. ठीक है, टेन्युअस, टेन्युअस का मतलब होता है इम्परमानेंट, टेम्पररी, है ना, कि कोई भी चीज जो होती है वो उसको मैं बोलता हूँ टेन्युअस. तो टेन्युअस का मतलब क्या हुआ, टेम्पररी. अभी जैसे हिमांशु मुझे बता रहा था कि कोई लड़की है जिससे उसे थोड़ा प्यार हुआ, मैंने बोला भाई तेरा प्यार टेन्युअस, टेम्पररी, है ना, मुझे क्या पता हमेशा रहे. बोला नहीं नहीं देखो कैसी बात कर रहे हो, मेरा टेन्युअस थोड़ी है ना, मेरा तो परमानेंट वाला. ठीक है, 10 दिन बाद हिमांशु ने मुझे किसी और लड़की का नाम बताया, तो साबित तो मैं सही हुआ ना कि टेन्युअस नेचर है उसके प्यार, राइट. अब आपको हमेशा टेन्युअस समझना आएगा. क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, अच्छा फैसिनेशन भी नहीं आता था क्या, ठीक है, फैसिनेशन का मतलब मैं बताऊंगा युवान क्रिटिकल के बाद. ठीक है, क्रिटिकल कंटेक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है, देखो सबसे पहले क्रिटिकल शब्द का मतलब समझो, क्रिटिकल का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को सोच करके एक्सेप्ट करते, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे पास ये टेबलेट है ना, ये गोलियां है मेरे पास, ये किसी की गोली है, इसे दिमाग तेज हो जाता है. अब आप इस पर क्रिटिकली सोच रहे हो कि यार ऐसा पॉसिबल है क्या कि यार कोई गोली खाने से दिमाग तेज हो सकता है, तो दैट इज क्रिटिकल, है ना. क्रिटिकल का मतलब क्या होता है कि परखना किसी चीज को,
और कंटेक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझना। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि युवांश ने शिवानी को झापट मार दिया, है ना, तो युवांश ने क्या करा, शिवानी को चाटा मार दिया। अब इस बात के कई मीनिंग निकल सकते हैं। आप लोग बोल सकते हो युवांश इतना खराब लड़का है ना, या आप ये बोल सकते हो कि शिवानी ने जरूर युवांश को कुछ करा होगा इसलिए युवांश को गुस्सा आया, या आप ये सोच सकते हो कि युवांश बहुत गुस्सेल लड़का है। अलग अलग चीजें आप सोच सकते हो, राइट। लेकिन कंटेक्चुअलाइजेशन क्या होगा कि मैं उसमें और डिटेल्स आपको दे दूं ताकि आप उसको सही तरीके से समझ सको। तो क्या होना चाहिए, क्रिटिकल कंटेक्चुअलाइजेशन होना चाहिए। कभी भी आप कोई बात बता रहे हो तो उस किताब में उस चीज का कंटेक्स्ट होना चाहिए ताकि रीडर समझ सके। जैसे कि कई बार हमारी क्लास में होता है ना, मैं एकदम से बोल देता हूँ कि खिड़की के बाहर वो बैठा हुआ है। अब एकदम से कोई नया बच्चा आएगा तो उसको ये जोक समझ में नहीं आएगा कि खिड़की के बाहर कौन बैठा हुआ है ना। लेकिन आप लोगों के पास कॉन्टेक्स्ट है, आप लोगों के पास कॉन्टेक्स्ट है ना, तो आपको समझ में आ गया। तो कंटेक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होगा, वो डिटेल जिसके कारण किसी इंसान को चीजें समझ में आती हो। ओके, यस। फ्लोरिड, फ्लोरिड का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का क्या मतलब होता है, आप ये पूछोगे, कॉम्प्लेक्स, है ना, जो चीजें बहुत ज्यादा उलझी हुई हो उसको हम बोलते हैं फ्लोरिड, या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी का मतलब होता है आपकी विचारधारा। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है ना। जैसे कि आप लोगों को हो सकता है आप अखंड भारत के आइडिया में विश्वास करते हो, कुछ लोग हो सकता है जो सेक्युलरिज्म के आइडिया में विश्वास रखते हो, कुछ लोग इस बात में विश्वास रखते हो कि देश की बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, है ना, पूरी दुनिया एक सिंगल देश होना चाहिए। जैसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, उनकी आइडियोलॉजी थी कि दिस बाउंड्रीज आर यूजलेस, नेशनलिज्म होना ही नहीं चाहिए, देयर शुड बी अ ग्लोबलिज्म, है ना। देयर आर सर्टेन आइडियोलॉग जो बोलते हैं कि ह्यूमनिज्म होना चाहिए, कि हमको ह्यूमंस के बारे में सोचना चाहिए, देश इन सब चीजों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो ये आइडियोलॉजी, हम किस तरह की सोच रखते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरी और जैसे क्लैट एजुकेटर्स की भी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। मैं एक ऐसा क्लैट एजुकेटर हूँ जिसकी आइडियोलॉजी की न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो टाइम वेस्ट है। कुछ क्लैट एजुकेटर की आइडियोलॉजी मुझसे उलट होती है, उन लोगों का मानना होता है कि न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना चाहिए। तो सबका अपना अपना आइडियोलॉजी होती। इन एडिक्वेट, अपर्याप्त, जो चीज काफी नहीं है। ठीक है, तो कई बार ये हो जाता है ना कि आप पानी पूरी खा रहे हो तो आपका पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, तो वो क्या हो गया, इन एडिक्वेट हो गया, काफी नहीं थे, क्योंकि दिल में तो अभी भी है ना कसक कि दो सूखी और दे दो भैया, एक सूखी में क्या होता है, थोड़ा नमक ज्यादा डाल देना, राइट। प्रांची, फ्लोरिड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट। अब फैसिनेशन का मतलब क्या होता है, फैसिनेशन का मतलब होता है जब आपको किसी इंसान से क्या हो, आप फैसिनेट, अच्छा फैसिनेट जो मैं बोल रहा हूँ, फैसिनेट हो जाओ तो फैसिनेशन, ऐसे नहीं समझ में आएगा, है ना। फैसिनेशन का मतलब होता है जब आप किसी से आश्चर्यचकित हो जाओ, अमेज हो जाओ और आपको वो पसंद आने लगे, आपका उसमें इंटरेस्ट आए। जैसे कि बचपन में क्या हुआ, जब मैंने सबसे पहली बार WWE देखा, मैं फैसिनेट हो गया, मैंने बोला मैं भी अब इस तरह के दाव लगाऊंगा, मैं भी किसी को उठा के फेंकूंगा। लेकिन बाद में समझ में आया इंसान में वजन होता है और इतनी आसानी से आप फेंक नहीं सकते हो, बट आई गॉट फैसिनेटेड, आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड, है ना। ओके, क्या हो गया, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया। तो ये तो मैंने आपको क्या करा, सारे मीनिंग्स बता दिए। अब ये जो मीनिंग्स बता दिए मैंने दोस्तों, क्या आप एक बार वापस से इसको पढ़ोगे, 40 सेकंड लगेंगे पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा, प्लीज एक बार वापस पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या आपको ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और बहुत सारे मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। हाय नरुतो, हाय तन्मय, हाय नंदिनी, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, है ना श्री।
ओके देखो अच्छा दोस्तों, अब एक और जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। आप में से आपके कुछ दोस्त लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका कोई मीनिंग छूट गया हो या भूल गए हो मीनिंग, तो आपको कमेंट बॉक्स में उनको हेल्प करनी होगी और उनको मीनिंग बताना होगा, ताकि उससे क्या होगा, उससे आपका रहेगा, मुझे भी पता चल जाएगा कि क्या आप सही समझ पा रहे हो और उन लोगों को भी मदद मिल जाएगी। ओके चलो, क्या आपको ये पैसेज समझ में आ गया? डिड यू गाइज अंडरस्टैंड द पैसेज? यस ठीक। अब मैं क्या करूंगा आप लोगों से, है ना, आप लोगों से ये बोलूंगा कि आप इसका मेन आइडिया मुझे बताओ। व्हाट इज द मेन आइडिया? प्लीज आप अपने एक सेंटेंस बनाओ और उसमें मुझे इसका मेन आइडिया बताओ आप लोग सर, आराम से बता दो। ओके ओके ठीक है, वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज आप सारे लोगों को ट्राई करना है। देखो ये सारी चीजें ट्राई करोगे तभी आपकी क्रिटिकल रीजनिंग इंप्रूव होगी। ओके ठीक है पैसेज में ऑथर हमको एक बुक के बारे में बता रहा है कि वो बुक उसे कैसी लगी, है ना, उसे वो बुक अच्छी भी लगी और बुरी भी लगी। ठीक है, तो वो यहां पर क्या बोल रहा है कि उसने एंजॉय करा, ठीक है, और फिर आपको कारण बताया कि एंजॉय क्यों करा। उसने ये भी बताया कि उसको यहाँ पे मल्टीपल पर्सपेक्टिव देखने को मिले, तो ये काफी वेराइटी इसमें उसको देखने को मिली। लेकिन साथ ही में उसने क्या बोला, उसने बोला कि अगर क्रिटिकल तरह से इसको देखा जाए तो इसमें कुछ कमियां भी थी, तो देर वॉज सम इनएडिक्वेसीज इन द बुक। तो कुछ कारणों से उसे ये बुक पसंद आई है, कुछ कारणों से उसे ये बुक पसंद नहीं भी आई है, ये दोनों चीजें ऑथर ने कही। ठीक है, समझ में आया आपको, है ना? तो आप लोगों ने क्या करा, अब इसमें देखो एक मिस्टेक आप लोग करते हो, इस मिस्टेक को बोलते हैं इन्फ्लुएंस बाय द एंडिंग। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वो लास्ट में जो लिखा है ना उस चीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप में से सब लोगों ने क्या बोला कि ऑथर को बुक पसंद नहीं आई? ज्यादातर लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग थी, ये इंटरप्रिटेशन थी आप लोगों की, है ना, कि ऑथर को बुक समझ पसंद नहीं आई। लेकिन आप शुरुआत की चीज भूल गए ना कि उसको थोड़ी बहुत तो पसंद भी आई थी, आप भूल गए ना ये बात, तो हम ऐसे कई बार गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये गड़बड़ प्लीज अपने को नहीं करनी है। ओके ठीक है चलो, अब मैं आपको वर्ड टू वर्ड इसको समझाऊंगा जैसे कि आपको आपकी क्लास में स्कूल में इंग्लिश टीचर समझाते थे, क्योंकि ये पैसेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, और ये हर पैसेज के साथ नहीं होगा कि मैं इतना डिटेल में समझाऊंगा। आज हम एक वर्कशॉप की तरह इस क्लास को ले रहे हैं कि लॉजिकल रीजनिंग कैसे इंप्रूव करना है, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ सारी चीज।
ना, ये मत समझना कि इतने एश आपके हर दिन होंगे, आज गुलाब जामुन मिल रहा है, हर दिन नहीं खिलाऊंगा, ठीक है। यस, अमृतपाल भी बाहर बैठा है यार, उसको भी खिलाने पड़ते हैं, वो भी जिद्दी करता है। मुझे ए ड्रीम ऑफ लाइट एंड शेडो बहुत अच्छी लगी, जिसमें लेटिन अमेरिकन वुमेन के पोर्ट्रेट दिए गए थे। यह मुझे उसी कारण से अच्छी लगी जिस कारण से मुझे अपने बाल काल में, यानी कि मेरे बचपन में, मैं कई सारी विमेन की बायोग्राफीज पढ़ती थी। मुझे इस बात से बड़ी फैसिनेशन होती थी कि किसी और महिला की लाइफ किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, किस तरह से दर्शाई जाती है, और किस तरह से उसे समझा जाता है, इंटरप्रेट की जाती है। तो ऑथर क्या बोल रहा है कि मुझे ये बुक इसलिए पसंद आई है क्योंकि बचपन में मुझे बायोग्राफी पढ़ने का शौक था, और मेरे को हमेशा से इस बात में बहुत रुचि रही है कि फीमेल्स की लाइफ को आप किस तरह से देखते हो, किस तरह से दिखाते हो, ठीक है। आदित्य, ये बात तो गलत है यार, अमृतपाल के बारे में आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि बात है ना, मतलब मान लो बहुत पावर है उसमें, ये पावर थोड़ी आ गई है उसको। इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, पंजाबी आती है, ये चौथी भाषा नहीं आती भाई, नहीं आती उसको, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अ ड्रीम, अ ड्रीम क्या है इस बुक का नाम, यह मुझे काफी रिच रीड देती है। रिच का मतलब होता है जिसमें मजा आया, इसमें बहुत वैरायटी है उन लोगों की लाइफ में भी, है ना। एक तो क्या कि जिन विमेन के बारे में ये बुक लिखी गई है ना, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ विमेन की लाइफ लिखी गई है इसमें, तो उनमें भी बहुत वैरायटी है, मतलब किसी ने क्या करा होगा, किसी ने क्या करा होगा। और साथ ही में जिस तरह से 16 essays, जो 16 निबंध लेखक है, उनके दृष्टिकोण में और उनकी स्टाइल में कि वो किस तरह से लिखते हैं, उसमें भी बहुत वैरायटी है। तो वैरायटी दो तरह की, एक तो किस तरह की विमेन को आप कवर कर रहे हो उसमें वैरायटी, और उनको किस तरह से कवर कर रहे हो उसमें भी वैरायटी, तो दो तरह की वैरायटी। लेकिन फिर भी अगर एक बड़े इंसान की तौर पे मैं सोचूं, तो मैं किसी भी ग्रेट बुक से कुछ चीजें डिमांड करती हूँ। पहला, सेल्फ कॉन्शियसनेस अबाउट द टेनस नेचर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। एक ये अवेयरनेस होनी चाहिए बुक को कि जब भी आप किसी चीज को बोल रहे हो कि ये रियल है, तो ये पता होना चाहिए कि जो रियलिटी है ना, वो टेम्पररी है। आज जो रियल है, कल वो अनरियल हो सकता है। कल जो रियल होगा, वो आज अनरियल लगता है ना। आगे चल करके कई सारे लोगों का मानना है कि दिल्ली कैपिटल आईपीएल जीत जाएगी, मेरा भी यही मानना है, लेकिन आप लोगों को हो सकता है अनरियल लगे कि दिल्ली कैपिटल कैसे जीत सकती है आईपीएल, इतना बुरी तरीके से उसको हराया, नहीं जीतेगी आईपीएल। तो ये क्या हो गया कि जो रियलिटी होती है वो बड़ी टेनस नेचर की होती है, टेनस नेचर यानी कि टेम्पररी नेचर की होती है। एक बुक को ये पता होना चाहिए। अ क्रिटिकल कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ द फ्लोरिड डिटेल, जो विमेन की लाइफ की इतनी डिटेल्स आपने बताई है, उसके बारे में आपको कॉन्टेक्स्ट भी देना चाहिए, है ना, तभी तो हम समझ पाएंगे। आपने बता दिया है कि एक विमेन जो थी वो बहुत ज्यादा क्या करती थी, वो जुआ खेलती थी। आपने ये तो बताया ही नहीं कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में जुआ खेलना सीखी थी, तो हमको उसमें मजा नहीं आया, ठीक है। एंड अ सेल्फ अवेयरनेस ऑफ द रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन आवर लाइफ, ठीक है। तो और साथ ही में क्या होना चाहिए उस बुक को, ये भी पता होना चाहिए कि विचारधारा का बहुत बड़ा महत्व होता है, कि वो विमेन ने जैसे भी अपनी लाइफ जी होगी, वो उसकी क्या आइडियोलॉजी है, उसके हिसाब से उस लाइफ को जी रही होगी। इन सारे क्रिटिकल सेंस में ऑथर को जो ड्रीम नाम की किताब थी वो इनएडिक्वेट लगी, यानी कि उसको वो कमजोर लगी, ठीक है। समझ में आ गया आप दोस्तों? यस, चलो अब क्वेश्चन करेंगे, है ना। लेट्स डू द क्वेश्चंस नाउ। द ऑथर ऑफ द पैसेज सजेस्ट अ ड्रीम फॉल्स शॉर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पेक्ट्स।
नीरज आपके क्वेश्चन को क्वेश्चन टैब में डाल दो प्लीज, ये लास्ट में हम लेंगे। श्रेया उन्मेष श्रेया गुरुशी आदिशक्ति श्री नरन नोरान नोरातना, आई होप मैं आपका नाम सही पढ़ रहा हूँ, गलत पढ़ रहा हूँ तो प्लीज मेरे को करेक्ट कर देना। जानवी रुनाक्षी एंड सारा, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। सॉरी मैंने शुरुआत में ठीक से नहीं पढ़ा। इज इट नोरत्ना या नोरात्ना? द ऑथर ऑफ द पैसेज सजेस्ट दैट अ ड्रीम फॉल शॉर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पेक्ट्स। ड्रीम किन चीजों में ड्रीम की कमी थी? तो पहला, इट डज नॉट अपियर टू रिकॉग्नाइज दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी कैन बी अनरिलायबल, है ना। तो उसने ये बोला था ना कि उन्होंने क्या करा, टेन्यूअस नेचर ऑफ रियलिटी को, टेम्पररी नेचर ऑफ रियलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। तो ये तो डेफिनेटली आंसर था, तो बी सही नहीं हो सकता। इट सीम्स टू फोकस ऑन स्टाइलिस्टिक वैरायटी, बिल्कुल सही बात है। एट द एक्सपेंस ऑफ एक्यूरेसी इन डिटेल, या कहीं पर यह बात कही हमको ऑथर ने कि उसमें एक्यूरेट बातें नहीं, गड़बड़ बातें हैं, गलत बातें हैं। क्या कहीं पर भी कहा गया दोस्तों कि बातें जो है वहां पर गलत लिखी गई थी? ये तो नहीं कहा गया, ये तो आपने गलत बोल दिया हमारी ड्रीम नाम की पुस्तक के बारे में, है ना। हम इतनी मेहनत करके सही सही बातें आपको बता रहे हैं और आप बोल रहे हो कि उसमें गलत बातें हैं, ये कैसे हो सकता है? तो ये नहीं होगा, तो सेकंड भी चला गया। अब सवाल है तीसरा होगा कि नहीं। इट ऑफर्स अ वेल्थ ऑफ डिटेल विदाउट सफिशियंट क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ दैट डिटेल, कि उसको क्रिटिकली एग्जामिन नहीं कराए, तो बिल्कुल, है ना, कि कंटेक्चुअलाइजेशन तो किया ही नहीं, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा और इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 हो जाएगा। क्या समझ में आया आपको ये? देखो ये बहुत डिफिकल्ट पैसेज है, आप ये समझ लो कि क्लैट में इतना डिफिकल्ट पैसेज नहीं आएगा, लेकिन अगर ये आपको समझ में आने लगा ना तो क्लैट का कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं हो पाएगा। तो जनरली आप मेरी क्लास में ये देखोगे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट पैसेज होगा, इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट टुवर्ड्स द क्लैट लेवल, ये तो सिग्निफिकेंटली डिफिकल्ट है और इसलिए मैं आपको तोड़ तोड़ के हर चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। ऑल राइट, कोई डाउट आगे बढ़े। शिवानी थर्ड में डाउट है ऐसा बोल रहे हो क्या? अच्छा देखो, इट ऑफर्स अ वेल्थ ऑफ डिटेल, की बहुत सारी डिटेल दी विदाउट सफिशिएंट क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डिटेल। यहाँ पे क्या बोला था उसने कि क्या एडिक्वेट था अ क्रिटिकल कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ अ फ्लोरिड डिटेल, कि डिटेल के बारे में कंटेक्स्ट नहीं दिया था, मतलब डिटेल को ढंग से एग्जामिन नहीं करा था, यह तो बोला है ऑथर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following best describes the function of the second sentence in the context of the passage as a whole? मैं आपको ये second sentence दिखाऊंगा, आपको बताना है कि second sentence क्या कर रहा है, ठीक है? ये second sentence ये रहा दोस्तों, a dream से लेकर के ऐसे इस तक, गड़बड़ कर दी यार आप लोगों ने यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, समझाऊंगा इसको भी। टू ऑन टू पे कौन कौन है? श्रेया, सौम्या, स्नेहा, वेरी नाइस। और आज लीडर बोर्ड पे 3 श्रेया आए हैं, है ना, तीनों अलग अलग तरह की श्रेया हैं। 2 तो सेम तरह की श्रेया हैं, डबल ए वाली और एक उल्टी सीधे लेटर अल्फाबेट कैपिटलाइजेशन वाली श्रेया। 3 श्रेया हमारी लीडर बोर्ड पे आज। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ द सेकेंड सेंटेंस अ ड्रीम से लेकर के ऐसे इस तक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज एज अ होल।
ये पैसेज में हमने क्या देखा था, शुरुआत में ऑथर ने हमको ये बताया कि उसे ये ड्रीम बुक नाम की बुक अच्छी लगी, फिर उसने बोला कि मेरे को सेम रीजन से अच्छी लगी जिस रीजन से मुझे बचपन में बुकें पसंद थी, है ना, बचपन में जिन कारण से मैं बुक्स को पसंद करती थी उसी कारण से मुझे ये बुक पसंद आई, क्यों, क्योंकि मेरे को विमेन की बायोग्राफी पढ़ने में बड़ा मजा आता। फिर उसने बताया कि ये ड्रीम भी वैसी, ये यहाँ पे बहुत सारी लाइव्स है, टेक्स्ट है, विमेन के पर्सपेक्टिव्स हैं, तो यहाँ पर वो क्या बोल रही है, बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि पहले मुझे बचपन में बुक क्यों अच्छी लगती थी, वो क्राइटेरिया क्या था, और फिर इस लाइन में वो क्या बोल रही है कि ड्रीम उस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। आया समझ में, कि एज अ चाइल्ड मेरा जो क्राइटेरिया हुआ करता था, ये ड्रीम नाम की किताब उस क्राइटेरिया को पूरी करती है। ठीक है, समझ में आया, राइट? तो टू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ अ ड्रीम प्रेजेंट्स फैसिनेटिंग पोर्ट्रेट दैट डिस्प्लेस अवेयरनेस ऑफ द टेन्यूअस नेचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। क्या ड्रीम को पता था? बिल्कुल नहीं पता था, है ना, तो ये तो उसकी एक कमी है जिसको आप ए में बोल रहे हो, तो ये तो नहीं हो सकता। टू इलाबरेट ऑन हाउ अ ड्रीम फुलफिल्स द ऑथर्स चाइल्डहुड क्राइटेरिया फॉर अ प्लेजरेबल बुक। ऑथर का चाइल्डहुड में क्राइटेरिया क्या था प्लेजरेबल बुक का, जिसमें विमेन की बातें हो रही है, वो प्लेजरेबल बुक थी ऑथर के लिए, तो वो क्राइटेरिया तो फुलफिल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सी, टू सजेस्ट दैट द ऑथर एंजॉयड अ ड्रीम फॉर रीजंस मोर सोफिस्टिकेटेड देन द रीजंस शी एंजॉयड सर्टेन बुक्स एज अ चाइल्ड। क्या उसने ये बोला कि पहले तो बचपन में कोई सी बुक दे देते सब अच्छी लगती थी, ड्रीम ना मेरे को किसी और कारण से अच्छी लगी क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बोल रही है कि मैं तो अब बड़ी हो गई ना, तो मुझे ये ड्रीम एज एन एडल्ट में देखूंगी तो मेरे को कमी लगी एडल्ट की तरह, बचपन के हिसाब से तो अच्छी लगी। ठीक है, डी, टू इलस्ट्रेट वेज इन विच द ऑथर फाइंड्स अ ड्रीम टू इनएडिक्वेट इन सर्टेन क्रिटिकल सेंसेस। क्या वो सेकेंड लाइन में ये बोल रही है क्या कि उसको कमी क्या लगी, उसमें तो तारीफ कर रही है ना, तो वॉट इज इट डूइंग, वो उसको तारीफ कर रही है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है, जो एक अच्छा मैनर के साथ काम कर रहा हो, अच्छे से काम कर रहा हो, है ना, उबड़ खाबड़ गलत तरीके से काम नहीं कर रहा हो। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं, मैं ये लाइन पढ़ने से पहले चारों ऑप्शन को पढ़ता, ठीक है, और इन चारों ऑप्शन को जब मैं पढ़ता तो मुझे पता चलता कि कुछ ऑप्शन जो है वो नेगेटिव है, कुछ ऑप्शन पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑप्शन कौन कौन से और नेगेटिव ऑप्शन कौन कौन से, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। ठीक है, कि इसमें तारीफ हो रही है, इसमें तारीफ हो रही है, इसमें तारीफ हो रही है, लेकिन इसमें बुराई हो रही है। फिर मैं अपने सेंटेंस को पढ़ता, तो जब मैं उस सेंटेंस को पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा कि यार ये भी तारीफ वाला है, तो मेरा डी अपने आप एलिमिनेट होगा। फिर मुझे पता है कि ए वाली बात तो कहीं नहीं है, है ना, तो जो ए बोल रहा है वो तो उल्टा है, तो ए एलिमिनेट होगा। अब बी और सी, सी में भी मुझे पता है कि यार सोफिस्टिकेटेड रीजन तो नहीं थे, बच्चों वाले ही रीजन थे, तो सी भी एलिमिनेट हो गया और मैं बी पे आंसर पहुंच जाता। आप लोगों ने सी लगा दिया, मुझे नहीं पता कि आपकी सोच क्या चल रही थी, बट क्या आपको बी समझ में आया क्यों सही है? उनमें सी क्यों नहीं, इसको वापस से एक्सप्लेन करता हूं कि देखो, टू सजेस्ट दैट द ऑथर एंजॉयड अ ड्रीम फॉर रीजंस मोर सोफिस्टिकेटेड देन द रीजंस शी एंजॉयड सर्टेन बुक्स एज अ चाइल्ड। इसका मतलब होता है कि ऑथर ने बचपन में कोई और क्राइटेरिया था जिसके कारण वो बुक एंजॉय करती थी, और बड़ी होने के कारण कोई और क्राइटेरिया, और उसने बड़े होने के क्राइटेरिया के हिसाब से बुक को एंजॉय करा, जबकि ऑथर का ये कहना है कि मैंने एज अ चाइल्ड अगर देखूंगी तो एंजॉय कर लूंगी इस बुक को, लेकिन एज एन एडल्ट मैं इसमें कई सारी और चीजें चाहती थी जो इसमें कमी थी, तो सी इसलिए गलत हो जाएगा। आया समझ में? चलिए, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये दो ही क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। क्या हम कुछ अब पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कर लें? फिर ये 10 मिनट हम पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे दो, और उसके बाद हम ब्रेक लेंगे छोटा सा, फिर वापस से क्लास करेंगे, फिर एक पैसेज और करेंगे, ठीक है, कर सकते हो इतना, थकोगे तो नहीं? मुझे क्लास में किसी की लाश तो नहीं मिलेगी लॉजिकल रीजनिंग के ओवरडोज के कारण? नहीं ना, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। पता नहीं भैया, मैं अपने आप की गारंटी नहीं दे सकता।
चलिए दोस्तों, अब आपके सामने पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना? कहाँ गए पैसेज बेस्ड क्वेश्चन? थोड़ा आ जाओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का। यस, ये ओके, हियर वी गो, हियर कम्स द पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। चलो, ये तो कल आपने अगर मिशन करा होगा तो आराम से आप समझ लेंगे। पेटेंट किसी भी दवाई को जब आप ले बनाते हो तो उसका पेटेंट करवा लेना कि ये दवाई मेरी ही है ना, इस दवाई को कोई और मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। दोस्तों वो टाइम दे रहा हूँ, प्लीज अच्छे से कर लो यार, सोच समझ के आंसर दो। ओके, बहुत कम लोगों का सही हुआ है, ये देख के थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है। सौम्या, श्रेया, आशुतोष, श्रेया, जाह्नवी, स्नेहा, रुनाक्षी, युवांश, उन्मेष एंड श्रेय। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली स्टेप, क्या कोई ऐसा शब्द है जिसका मीनिंग आपको नहीं आता? आर देर एनी टर्म्स यूज इन दिस पैराग्राफ दैट यू डू नॉट नो? नहीं, ठीक है, चलो। ऐसे कंट्री जहां पे लाइफ सस्टेनिंग ड्रग्स को पेटेंट नहीं कराया जा सकता, वहां पे ड्रग्स बहुत किफायती कीमत में अवेलेबल होते हैं। भाई सेम ड्रग जब पेटेंट हो जाते हैं तो उनकी प्राइस बहुत ज्यादा प्रीमियम हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि पेटेंट उनको कॉम्पिटिटर से बचा करके रखता है ना। तो मान लो दो कंट्री, इंडिया और पाकिस्तान। अब इंडिया में हमने ड्रग का पेटेंट कर लिया, पेटेंट कर लिया मतलब एक कंपनी जिसने वो ड्रग बनाया था उसने वो पेटेंट करवा लिया, तो कोई और नहीं बना सकता। और अगर कोई और नहीं बना सकता तो ये चाहे तो 1 लाख में बेचे, कोई और बना ही नहीं पाएगा उसको। ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान ने उस ड्रग को पेटेंट नहीं करा, तब इसके फॉर्मूले को देख के कोई भी और बना लेगा, तो ये कंपनी 1 लाख चार्ज करेगी तो कोई और कंपनी होगी जो 100 रुपए में उस ड्रग को बेचेगी, तो इसको भी अपना रेट कम करना पड़ेगा। तो पेटेंट करने का नुकसान क्या हो जाता है कि ड्रग्स की प्राइस बढ़ जाती, और इसके लिए ऑथर ये बोल रहा है कि पेटेंट की प्रोसेस को हमको सब जगह एबोलिश कर देना चाहिए। तो हमको आर्ग्यूमेंट क्लियर हो गई कि ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या है कि पेटेंट को खत्म कर दो, पेटेंट को क्या कर दो, खत्म कर दो। अब मुझे क्या करना है, उसको वीकन करना है। अगर कोई इंसान बोल रहा है पेटेंट को खत्म कर दो और मुझे उस आर्ग्यूमेंट को वीकन करना है, तो मुझे पेटेंट का फायदा बताना पड़ेगा ना, राइट? पेटेंट का फायदा बताना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, है ना, मेरे घर में ऊपर कुछ लोग रहते हैं, है ना, मेरे मकान मालिक, उनने मुझे बोला कि दिव्य तुम्हारी ये जो दोस्ती है ना आजकल इन लोगों से, गलत लोगों से तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारे दोस्तों के पीछे पुलिस पड़ी है, तुम्हारे घर में आके गमले के पीछे छुप जाते हैं, इन दोस्तों से दोस्ती तोड़ दो। क्या बोला उन्होंने, इन दोस्तों से दोस्ती तोड़ दो। अब मुझे अगर आर्ग्यूमेंट को वीकन करना है तो मुझे कुछ फायदा बताना पड़ेगा ना, कि उस इंसान से दोस्ती होने से कुछ फायदा होता है, कि एटलीस्ट उस इंसान के गमले के पीछे छुपे होने से मेरे क्लास में जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको मजे आते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान आती है, जो कि काफी है। ना? तो यहां पर मैंने क्या बताया, फायदा बता दिया।
अब इस पूरे चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो फायदा बता रहा है ना, सिर्फ ये वाला बता रहा है कि पेटेंट का क्या फायदा होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन चारों ऑप्शन एनालाइज करते हैं एक करके। ए, इन कंट्रीज इन विच लाइफ सस्टेनिंग ड्रग्स कैन नॉट बी पेटेंटेड, देयर मैन्युफैक्चर इज नेवरदलेस अ प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज। पेटेंट नहीं होने का फायदा बता रहा है, तो ये तो वो वाली बात हो गई कि मकान मालिक ने बोला कि चल तू उसे दोस्ती तोड़ भी देगा तो भी तू तो इसके एग्जाम्पल दे दिया करना, तो दोस्ती तोड़ने के बावजूद भी फायदा हो जाएगा ये बोल रहे हो, तो ये आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कर रहा है ना कि वीकन कर रहा है, तो ये क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है। अच्छा स्नेहा, यही तो शुरुआत में पूछा था ना मैंने कि कोई शब्द है क्या जो समझ में नहीं आया। लाइफ सस्टेनिंग ड्रग्स का मतलब होता है ऐसे ड्रग जो आपको जीवित रहने में मदद करते हैं, अलग अलग बीमारियां होती है लोगों को, तो यू नीड लाइफ सस्टेनिंग ड्रग्स एट डिफरेंट टाइम। ठीक है। बी, कंट्रीज दैट डू नॉट करेंटली ग्रांट पेटेंट्स ऑन लाइफ सस्टेनिंग ड्रग्स आर फॉर द मोस्ट पार्ट कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन। अब उन कंट्रीज के नेचर से कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। नहीं, फॉल्स कंपैरिजन नहीं है युवांश, हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ये इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। दिस इज आई आई, है ना, आई आई इज इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो होती है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। ओके, यस। सी, इन सम कंट्रीज स्पेसिफिक प्रोसेसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कैन बी पेटेंटेड इवन इन केसेस इन विच द ड्रग्स देमसेल्व्स कैन नॉट बी पेटेंटेड। अगेन इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, कुछ कंट्रीज की बात बता रहे हैं कि वहां पे ड्रग को पेटेंट नहीं देते, ड्रग की प्रोसेस को पेटेंट देते, तो दैट इज इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, हमको उस इंफॉर्मेशन से कुछ भी फायदा या नुकसान नहीं हो रहा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों आप लोगों को? डी क्या बोल रहा है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज कैन अफोर्ड द रिसर्च दैट गोज इनटू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स ओनली इफ द पेटेंट अलाउड देम टू अर्न हायर प्रॉफिट, कि अगर पेटेंट उनको हायर प्रॉफिट अर्न करने देंगे तभी तो वो आगे रिसर्च कर पाएंगे ना। कल मैं जब आपको क्रिटिकल डिजीज के बारे में समझा रहा था, है ना, जब कल के मिशन में बताया था ना मैंने कि कैसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, और वो उस पैसे को कहाँ से निकाल करके लेकर आती है, वो उस पैसे को जो कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनसे निकालती है ना। तो शुरुआत में 20 सालों तक जब तक पेटेंट की अवधि होती है तब तक वो कुछ कंज्यूमर को ज्यादा पैसे चार्ज करती है, और फिर एकदम से जैसे ही फॉर्मूला सबको रिलीज हो जाता है, पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, तो कॉम्पिटिटर भी उस ड्रग को बनाने लगते हैं और पैसे एकदम से कम हो जाते हैं ड्रग्स के। ये सारी बातें हमने सीखी थी कल, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है, यस। ओके दोस्तों, तो यहीं पे हम ब्रेक लेंगे, मेरे को लग रहा था एक क्वेश्चन और करेंगे लेकिन 4 मिनट ही बचे। ठीक है, अब हमारी क्लास 5 बजे रिज्यूम होगी, मैं उसकी लिंक आपको यहीं पे दे रहा हूँ, आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो और कुछ जो क्वेश्चन है एक दो मैं उनको सॉल्व कर दूंगा, फिर हम अभी कंटिन्यू रखेंगे क्लास को। ठीक है, आज आपने जो बहुत कुछ चीजें सीखी होगी आई एम श्योर इस क्लास में, प्लीज अगली क्लास में भी कंटिन्यू करना, रिकॉर्डेड में देखने की मत सोचना, क्योंकि उस क्लास को भी इस क्लास को भी देखोगे ना जब आप, तब आपको रियलाइज होगा लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल कैरी ऑन, है ना, जो उसकी बेस को मजबूत करेगा। तो ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ। वेरी गुड युवांश, हम इस पे बात करेंगे एक दिन, है ना, बहुत जल्द। AMU BLLB के लिए गाइड कर दीजिए। गुल, आप क्लास में हो? गुल क्लास में ही नहीं है यार, कोई बात नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद एनालिसिस का मतलब होता है कि उस क्वेश्चन को देखो कि आपको समझ में आया क्या, नहीं आया समझ में तो
तो जाकर के बस क्या करो कि उसको देख लो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था, बस इसको ही एनालिसिस बोलते हैं शिवा। और अगर कोई बार बार गलतियां आप कर रहे हो तो उसको याद रखिए। ये फ्रेमवर्क अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके okay, और किसी का कोई डाउट है दोस्तों, या अगली क्लास में मिले फिर सीधे। Thank you.